नहीं तो ये आप लोगों से गुजारिश करना चाह रही हूँ कि मैं एक यतीम हूँ, मेरे को माँ बाप नहीं है, मेरे को भाई बहन नहीं है, मेरे को सिर्फ अल्लाह का सहारा, अल्लाह के रसूल का सहारा चुका के किसी का सहारा नहीं है मेरे को। आप लोग एक तरफा, अस्सलामुअलैकुम, मैं सैदाबाद फराह कॉलोनी के रहने वाली हूँ और मेरा नाम अंजुम है और जो है सो ये मेरे शोहर है, ये मेरे शोहर है। मेरे शोहर के ऊपर मैं इसी महीने में FIR करा चुकी हूँ। ये मैं आप सब तक ये मेरी गुजारिश ये चीज़ से ला रही हूँ कि मेरा शोहर मेरे को 4 साल से मार के घर से निकाल दे के, मेरे को घर से बेघर कर दे के, और मेरा सोना 70 तोले सोना और मेरी कार, मेरे डॉक्यूमेंट्स ये सब पूरे ले लेके मेरे को घर से निकाल दिए जो है, क्योंकि मैं एक यतीम हूँ बोल के, यतीम मेरे माँ बाप आके कोई पूछने वाले नहीं है, करने वाले नहीं है बोल के। मगर फिर भी मैं ये मीडिया के ज़रिए एक मेरे जो भी पुलिस डिपार्टमेंट, जो भी मेरे को जितना भी DCP मैडम से लेके हमारे सैदाबाद SHO सर तक मेरे को पूरा बहुत सपोर्ट कर रहे, अल्लाह उनको अच्छा रखे, ये यतीम की दुआ उनके साथ में रहती। मगर ये इनके सपोर्ट के साथ साथ ये जो भी अंदरूनी है जो मेरे शोहर के बारे में नहीं मालूम है, ये आप सब के लिए मैं गुजारिश करूँगी ये कि यतीम की बद्दुआ मत लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला यतीम की बद्दुआ से खैर खार बरसा देता, खैर चाहिए आप, खार नको चाहिए आप लोग। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे कीमती चीज़ ना तो मेरे बच्चों से मेरे को मिलने दे रहा, मैं जब भी जाती हूँ मेरे बच्चों के ऊपर मेरे को घर से वो लोग वो करने के लिए ये करने के लिए ऐसा है वैसा है बोल के बोलते हैं, मेरे को जाके केस करवा दे रहे, कोई भी जाओ मेरे रिश्तेदार जाओ, मैं जाओ, कोई भी गए तो भी मेरे ऊपर ऐसे करे। आप सबसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि मैं एक ही तरफ सुन के आप मत बोलो, और दूसरी तरफ भी रहता ना तो वो देख के आप बात करना चाहना चाहिए। मगर ऐसा आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम नसीर अहमद है, वो आर्किटेक्ट है, वो भी सैदाबाद में रहने वाले हैं, उनकी ऑफिस भी जो है सो मेन रोड के ऊपर पोस्ट ऑफिस के पीछे उनकी ऑफिस है। इतना जाहिल है, इतना जाहिल है, ना ही तो उसे अल्लाह का डर है और रसूल का डर है। मैं घर के पास जब भी जाती हूँ उसको रसूल का वास्ता दी, मैं अपन मुसलमान बन के हुजूर के उम्मती रह के वो जो भी उन जो ये नहीं कर रहा तो उसको वो थोड़ा भी, मैं जब भी घर पे जाती हूँ बच्चों से मिलने के लिए, एक माँ हूँ, एक माँ का दर्द नहीं समझ के मैं जब भी घर पे जाती हूँ ना तो मेरे को ऐसा मार पीट करके वो करके कर देता, मेरे को इतनी इससे मेरे को बेरहमी से मेरे को घर में वो करके करता। मगर दुनिया वालों को एक तरीके से बताता उसकी असलियत अंदरूनी जो है उसका वो मालूम करके, जो भी जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे ना, क्या चाह रहे हैं मेरे को, बस मेरे को मेरे बच्चे से मिलना मिलाने देना मेरे को, और जो है सो मेरी कार और मेरा सोना और मेरे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मेरे को मेरी कार नहीं रहने से मेरी माँ की तबीयत सही नहीं, मैंने मेरी खाला के पास हूँ मैं, तो उनको मैं आने जाने के वास्ते बताने के वास्ते मेरे को बहुत तकलीफ महसूस हो रही। ये जो है सो मेरा शोहर, मैं आप रहना चाह रहे हैं, रहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं मेरे बच्चों के साथ और मेरे शोहर के साथ ही रहना चाह रही हूँ मैं। मगर मैं जब भी मैं उनसे गुजारिश करने और वो करने जाती हूँ ना, मेरे बड़ों को लेके, मेरे रिश्तेदारों को लेके जाते ज हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर, बड़े लोगों के ऊपर मेरे ऊपर केसा लगा दे रहे हैं उन्होंने। ये कान तक इंसाफ है, वो कोई भी नहीं पूछा, मगर वो जाते बच्ची को ले लेता और जाता और वो हमारे ऊपर केसा लगा दे रहे हैं। मैं मेरे शोहर के साथ, मेरे बच्चों के साथ मैं रहना चाह रही हूँ। अगर हो सके तो आप इसमें मेरे को कुछ भी इंसाफ करना चाह रहे तो इंसाफ करिए मेरे को, बस मैं ये हमारे तेलंगाना स्टेट CM सर से लेके और CP सर को और हमारे DCP मैडम से लेके SHO सर तक एक गुजारिश करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तो वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे, अल्लाह उनको और अच्छा रखता, मगर मेरे को इंसाफ जल्द से जल्द कराइए बोल के मैं बहुत गुजारिश कर रही हूँ आपसे। मैं 4 साल से फिर रही हूँ, ये थोड़ा आप नोटिस करके मेरे को इंसाफ दिलाना बोल के ये मीडिया तक मैं आई हूँ। तो इस वजह से मैं आपसे गुजारिश हूँ कि ये जो भी देख रहे एक यतीम को और एक हुजूर की उम्मती को, यतीम औरत को मदद कर रहे हैं बल्कि सामने आइए, जो भी है आपको जो भी बात की मदद होना है मेरे को बस होता है वो एक ही करिए मेरे को। मगर एक सुन के, एक तरफा सुन के जो भी बोलेंगे ना, मैं भूल जाती हूँ मगर मेरा अल्लाह नहीं भूलता, अल्लाह का डर तो रखिए थोड़ा।